आपकी स्क्रब इज ऑसम ऑसम ऑसम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जी मेरी लिप केयर, कि मैं अपनी लिप्स की केयर किस तरह करती हूँ। सिंपल से दो स्टेप है मेरी से लिप्स केयर के जी। सबसे पहला स्टेप, जो जब टीथ ब्रश करती हूँ वही ब्रश लिप्स पे हल्का हल्का स्क्रब करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी अपना बताया था। दूसरा स्टेप ये जी, जो ये अब मैं आप लोगों को स्क्रब बनाना बताऊंगी, वो इतना सा लेने और हल्का सा स्क्रब कर देने। उसके बाद जी, जो लिप्स की ब्लैकनेस ब्राउननेस और हल्की सी डलनेस होती है वो सबके पास होती है। मैं भी अगर हफ्ता ये स्क्रब यूज नहीं करती तो मेरे भी लिप्स ऑटोमेटिकली डल लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लिपस्टिक हम डेली रूटीन में लगाते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो ज्यादा लगानी पड़ती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वक्त भी हल्की फुल्की ग्लॉस या लिपस्टिक वगैरह लगानी पड़ती है, तो लिप्स डल हो जाते हैं, सूरज की वजह से डल हो जाते हैं, काफी रीजन जिसके हो सकते हैं, पानी नहीं पीते डल हो जाते हैं। ये ऐसा स्क्रब है, आप लोग दो दफा क्या एक दफा इस्तेमाल करके सिर्फ देख लें और लाजमी कमेंट करेंगे आके कि लिप्स अच्छे फ्रेश और खिले खिले लगने शुरू हो गए। चले जी, अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है जी चीनी, हमें दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है जी पेट्रोलियम जेली, तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए जी लेमन ऑयल, उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है जी फूड कलर। सबको मिला के जो हमारा जबरदस्त सा आउटस्टैंडिंग सा स्क्रब तैयार होगा वो है जी ये। ठीक है जी, अब जी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वांटिटी कितनी कितनी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। और चले जी अब स्क्रब बनाते हैं। ये तो मेरा पुराना है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है जी, अब नया स्क्रब बनाती हूँ मैं आप लोगों के सामने। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रब तैयार करते हैं। स्क्रब तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून चीनी। चीनी हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं चाहिए, हम लोगों ने पीस को उसको बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स में कर लेना है। ये देखें जी, 1 टीस्पून ये गई, 2 टीस्पून ये गई। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जी पेट्रोलियम जेली। 2 टीस्पून थी चीनी और 1/2 टीस्पून पेट्रोलियम जेली, ये देखें। ठीक है जी, अब ये इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद हमें चाहिए जी लेमन ऑयल। पंसार की दुकान से आप लोगों को खुला भी मिल जाएगा, आप लोगों को पैकेट में मिल जाएगा, आप लोगों को शीशी में भी मिल जाएगा। ये मैंने खुला लिया हुआ है, ठीक है, सस्ता सा ही होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। हम लोगों ने 1 टीस्पून हल्की सी, 1 टीस्पून हल्की सी, ये देखिए जी, 1 टीस्पून हल्की सी जी, 1 टीस्पून हल्की सी हमने लेमन ऑयल की भी डाल दी है। अब जो हमारा इंग्रेडिएंट है जी लास्ट, वो है जी रेड फूड कलर, या आप लोग पिंक फूड कलर डाल सकते हैं, आप लोग चेरी फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर लिक्विड में होना चाहिए। लिक्विड में नहीं है तो पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, पानी डालो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें जी, 3 से 4 कतरे, 3 चले गए और 1 और। अब हमने इस सब मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, मिक्स 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 अच्छी तरह। ये देखें जी, अब ये 1 स्पून के ऊपर इकट्ठा हो गया है। ये देखें, ये हमारे 2 से 3 हफ्ते के लिए बहुत स्क्रब है, इतना ही स्क्रब चाहिए क्योंकि हमने हल्का सा करना होता है। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, चम्मच के ऊपर लिए और ये गिर नहीं रहा, ठीक है, रन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जी अब हम लोग लिप स्क्रब करते हैं। लिप्स को कुछ नहीं लगाना चाहिए, हम लोगों ने थोड़ा सा लिया, ये देखें, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया। हाँ जी, अब जी हमने लिप स्क्रब कर ली है, ये देखें जी कितने पल्पी पल्पी और पिंकी पिंकी अभी से लगने शुरू हो गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, मुंह धो लेना है। मैं अभी वॉशरूम में नहीं जा रही हूँ इसलिए इधर से ही साफ कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लगा लेंगे इसके ऊपर हल्की सी, कोई भी आप लोगों वैसलीन है वैसलीन। अब सारा दिन आप लोग को टिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आग लगे पल्पी पल्पी जूसी जूसी से लिप्स रहेगा। ठीक है, अभी उतार के भी दिखा दी, कुछ ही नहीं लगा हुआ, वैसे ही दोबारा लगा लेते हैं। हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बस जी
एक चीज आप लोगों ने करनी है, सिर्फ एक दफा थोड़ा सा बना के एक दफा ट्राई करके मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम का आप लोगों ने अपना रिव्यू दे देना है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है जी, मैं आप लोगों के रिव्यू का जी अभी इंतजार कर रही हूं, अभी बनाए, हर चीज मौजूद होगी। लेमन ऑयल जो है आप लोग को पंसार की दुकान से मिल जाएगा, अगर सपोज लेमन ऑयल नहीं है तो आप लोग आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।